కేంద్ర మెడల్ వంచి నల్ల చట్టాలను వెనక్కి తీసుకునేలా ఉద్యమించిన రైతులకు శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నానని సీఎం కేసీఆర్ అన్నారు. 75 ఏళ్ల స్వాతంత్రం తర్వాత కూడా దేశం పరిస్థితి చూస్తే దుఃఖం వస్తుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దేశానికి అన్నం పెట్టే గొప్ప రైతులు పంజాబ్ రైతులని సీఎం ప్రశంసించారు. సాగు చట్టాలపై పోరులో అమరులైన రైతుల కుటుంబాలకు సీఎం కేసీఆర్ చండీగఢ్లో చెక్కులు పంపిణీ చేశారు. 600 రైతు కుటుంబాలకు 3 లక్షల చొప్పున ఆర్థిక సాయం అందించారు. अफसोस है कि 75 साल के आजादी के बाद हम लोगों को इस तरह के सभाएं करने पड़ते हैं. आंखों में पानी आ जाता है. आखिर ऐसा क्यों है हमारा देश? इसके बारे में जरूर चिंता करने की जरूरत है. हर चीज के लिए हर किसी को काफी मशक्कत करनी पड़ती है. इसके जड़ कहाँ है? इसके वजह क्या है? इस चीज पे जरूर चर्चा हो, ये मैं दिल से चाहता हूँ. हिंदुस्तान के एक शहरी होने के नाते कईयों ऐसे समस्याएं हैं जिनके लिए लोगों को लड़ने पड़ते हैं, मरने पड़ते हैं, शहादत देनी पड़ती है. क्या मजबूरी है? हम ही नहीं, दुनिया में कई देश है. समस्याएं हर जगह होती है. ऐसा नहीं कि किसी समस्या किसी देश में नहीं है, लेकिन हमारे पास जिस प्रकार के समस्याएं हैं इस प्रकार के कहीं भी नहीं होते. अरे आप लोगों ने जो शहादत दी है, आपके परिजनों ने किसान आंदोलन चलाते हुए केंद्र सरकार को मजबूर करके अपने कानून वापस लेने तक जो लड़ाई जारी रखे, मैं उन तमाम किसान नेताओं को, किसान भाइयों को सर झुका के प्रणाम करता हूँ. जो लोग शहीद हुए हम उनको वापस तो ला नहीं सकते, लेकिन जैसा माननीय केजरीवाल जी ने कहा, माननीय मान साहब ने कहा, हमदर्दी हम जरूर जुटा सकते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ सारा देश है. हमदर्दी जताने वाला, फील करने वाले लोग हैं.